प्रेम से बोली, जिमुद्वाहन भगवान की जय। आज आप सभी श्रवण करेंगे जितिया व्रत की 5 कथा। अपने बच्चे की सलामती के लिए कथा को पूरा अवश्य सुनिएगा और हर एक कथा श्रवण करने के बाद जिमुद भगवान की जयकारा लगाते जाए। तो आइए सुनते हैं पहली कथा। जितिया का व्रत आश्विन मास के कृष्णा पक्ष की अष्टमी को किया जाता है। इस दिन सूर्य नारायण की पूजा करनी चाहिए। व्रत रखने वाला स्वयं स्नान करके भगवान सूर्य नारायण की मूर्ति को स्नान कराए और भोग लगाए तथा आचमन कराकर धूप दीप आदि से आरती उतारे, भोग को प्रसाद के रूप में बांट दे। इस दिन बाजरा और चने से बने पदार्थ भोग लगाए जाते हैं तथा कटे हुए फल व साग आदि नहीं खाए जाते और न काटने ही चाहिए। इस व्रत को करने से जिनका पुत्र तो होता ही है परंतु जीवित नहीं रहता, इस व्रत के करने से ही पुत्र जीवित रहने लगते हैं, साथ ही बच्चे के मरण दोष भी दूर हो जाता है। आइए सुनते हैं कथा। एक समय की बात है जब भगवान श्री कृष्ण द्वारिकापुरी में निवास करते थे। उस समय एक ब्राह्मण भी द्वारिका में रहता था। उसके 7 पुत्र काल के गाल में बचपन में ही जा चुके थे। इस दशा को देखकर वह ब्राह्मण बहुत दुखी था। एक दिन वह भगवान श्री कृष्ण के पास गया और कहने लगा, हे भगवान, आपके राज्य में आपकी कृपा से मेरे 7 पुत्र हुए परंतु जीवित कोई नहीं रहा। क्या कारण है? यदि आप अपने राज्य में किसी को दुखी नहीं देखना चाहते हैं तो कोई उपाय बताइए। तब भगवान श्री कृष्ण बोले, हे ब्राह्मण सुनो, इस बार तुम्हारे जो पुत्र होगा उसकी उम्र 3 वर्ष की है। उसकी उम्र बढ़ाने के लिए तुम भगवान सूर्य नारायण की पूजा होने वाली पुत्र जीवी व्रत को धारण करो, तुम्हारे पुत्र की आयु बढ़ेगी। ब्राह्मण ने वैसा ही किया। जब वह 100 परिवार हाथ जोड़ और खड़े होकर इस प्रकार विनती करने लगा, दोहा, सूर्य देव विनती सुनो, पांव दुख अपार, उम्र बढ़ाओ पुत्र की कहता बारंबार। इतना सुनते ही सूर्य का रथ वही रुक गया। ब्राह्मण की विनती से प्रसन्न होकर सूर्य ने अपने गले से एक माला ब्राह्मण पुत्र के गले में डाल दी और आगे चल गए। थोड़े ही देर में यमराज उस ब्राह्मण पुत्र के प्राण को लेने आए। यमराज को देखकर ब्राह्मण और ब्राह्मणी कृष्णा जी को झूठा कहने लगे। भगवान कृष्णा अपना अनादर जानकर तुरंत सूर्य दर्शन चक्र निकालकर आ गए और बोले, इस माला को यमराज के ऊपर डाल दो। इतना कहते ही ब्राह्मण उस माला को उठाने लगा कि यमराज डरकर भाग गए, परंतु वहां यमराज की छाया खड़ी थी। उस फूल की माला को छाया के ऊपर फेंक दिया गया, जिसके फलस्वरूप वह छाया सनिक रूप में आकर भगवान कृष्ण की प्रार्थना करने लगी। भगवान कृष्ण को सनी के ऊपर दया आ गई और पीपल के वृक्ष पर रहने के लिए कहा। तब से सनी की छाया पीपल के वृक्ष पर निवास करने लगी। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने उस ब्राह्मण के पुत्र की उम्र बढ़ा दिए। इसलिए हे भगवान, जिस तरह उस ब्राह्मण के लड़के की उम्र बढ़ाई है उसी तरह सबकी उम्र बढ़ाना। सभी प्रेम से बोले, जीवित भगवान की जय हो, सूर्य नारायण की जय हो। अब सुनिए जितिया व्रत की दूसरी कथा। एक गांव में एक माँ और बेटा एक साथ रहते थे। बेटा था 5 वर्ष का। बेटा का नाम था श्याम। श्याम के पिता दूसरी शादी कर लिए थे और दूसरी पत्नी के साथ रहते थे। श्याम अपनी माँ के साथ अकेले ही रहा करता था। श्याम की पालन पोषण करने के लिए माँ हर लोगों के घर में झाड़ू पोछा करती थी। श्याम की माँ जब भी काम पर जाया करती तो वह अपने बेटे को कुछ खाना खिलाकर सुला देती और घर को बाहर से बंद करके चली जाती थी। माँ का मन में बस यही ख्याल रहता था कि जल्दी मालकिन का घर का सारा काम कर लूँ और अपने बच्चे के पास लौट आऊँ। क्योंकि बेटा अभी छोटा था ना, 5 वर्ष का था, इसलिए माँ
बहुत बेचैन रहती थी और बेटे को काम पर ले जाने से मालकिन बहुत नाराज होती थी। इसी तरह चलते गया। हर साल की तरह इस साल भी जीतिया का व्रत आने वाला था। श्याम की माँ, हर साल जीतिया का व्रत पूरा श्रद्धा भक्ति के साथ किया करती थी, क्योंकि उनके साथ उनके पति रहते थे। जब श्याम 5 वर्ष का हुआ तभी श्याम के पिता ने दूसरी शादी कर ली और पहला पत्नी को छोड़ दिया। ना धन देते ना दौलत देते, इसी कारण माँ को हर लोगों का घर में जाकर कामकाज करना पड़ता था। इस बार जब जीतिया का व्रत आने वाला था तो श्याम की माँ मालकिन के घर जाकर कहती है, मालकिन आज नहाए खाए का दिन है, मुझे छुट्टी दे दीजिए, कल जीतिया है। लेकिन मालकिन छुट्टी नहीं देती है। श्याम की माँ फिर भी पूरा नियम पूर्वक श्रद्धा भक्ति के साथ जीतिया व्रत को करती है और उसकी मालकिन भी जीतिया का व्रत करती थी। श्याम की माँ नहाए खाए का नियम बहुत अच्छे से करती है और जीतिया व्रत के दिन अपने बेटे को खाना खिलाकर सुलाकर मालकिन का घर चली जाती है काम पर। मालकिन का घर जाकर श्याम की माँ सारा कामकाज कर लेती है और उस दिन मालकिन श्याम की माँ से कहती है, सुनो ये कद्दू लो, इसे काट दो। श्याम की माँ ने कहा, नहीं मालकिन, मैं जीतिया का व्रत की हूँ, मैं कैसे काट सकती हूँ। जीतिया का व्रत करने से कुछ भी काटना या तोड़ना नहीं चाहिए, यहाँ तक बाल में भी कंघी नहीं करनी चाहिए, तो मैं कैसे ये कद्दू को काट लूँ मालकिन, आज के लिए मुझे माफ कर दीजिए। मालकिन के घर में और कोई भी नहीं था, सारा लोग बाहर काम पे गए हुए थे। मालकिन अकेली थी, खाना तो उनको ही बनाना था। श्याम की माँ तो सिर्फ घर का सारा कामकाज किया करती थी, लेकिन जीतिया का व्रत के दिन कुछ काटा नहीं जाता है, इसी कारण मालकिन चलाकी करके उस नौकरानी को यानी कि श्याम की मम्मी को जोर जबरदस्ती करके कद्दू कटवा लेती है। उसे धमकी लगाती है, अगर तुम कद्दू नहीं काटेगी तो तुम्हें मैं पैसा नहीं दूंगी। बस बेचारी, उसे पैसा का जरूरत था अपने बच्चे के लिए, बस इसी कारण कद्दू को काट लेती है। अब मालकिन का घर का सारा काम समाप्त हो गया तो नदी में स्नान करके पूजा करके जीवित भगवान का कथा सुनकर अपने घर को आती है। वह अपने घर को जलती हुई देखती है और जोर जोर से चिल्लाकर रोने लगी, अपने बेटे को पुकारने लगी, श्याम श्याम करते करते रोते रोते वह बेहोश हो चुकी थी। जब श्याम की माँ को होश आया तब सुबह हो चुकी थी और उसके सामने एक बूढ़े बाबा खड़े थे। बूढ़े बाबा तो बूढ़े बाबा थे ही नहीं, वो तो जीतिया भगवान थे, जो बूढ़े बाबा का भेष धारण करके माँ का सामने खड़े थे। उन्होंने कहा, बेटी तुम चिंता मत करो, तुम्हारा बेटा तो सुरक्षित है, उसे कुछ भी नहीं हुआ, तुम अपना व्रत को पूरा करो, अच्छे से पारण करो। पारण करने से पहले जीवित भगवान से अपनी गलती के लिए क्षमा मांगो और उसके बाद ही पारण करना। पारण करने के बाद दिल से अपने बेटों को पुकारना, तुम्हारा बेटा जरूर वापस आएगा। श्याम के माँ ने वैसा ही किया जैसे बूढ़े बाबा ने बताए थे। श्याम की माँ पारण करने से पहले पूजा पाठ कर लेती है, जीवित भगवान को हाथ जोड़ के प्रणाम करती है और अपने सारे भूल चूक की माफ़ी मांगती है। श्याम की माँ को पता ही था कि उसने जीतिया व्रत के दिन सब्जी को काटा था, लेकिन उसकी मजबूरी भी थी, भगवान सबका दुख को समझते हैं। ऐसा विचार करके गरम गरम भोजन से पारण करती है और दिल से पुकारती है, उसका बेटा उसके सामने खड़ा होता है। माँ बेटे को सीने से लगाकर जोर जोर से रोने लगती है। बेटा कहता है, माँ क्या हुआ, आप क्यों रो रही है। माँ अपने बेटे को सारा कहानी बताती है, बेटा मैं जब काम करके वापस आई तो मैंने देखा कि हमारा घर जल रहा है। तब बेटा ने कहा, नहीं माँ ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ, मैं तो घर में आराम से बैठकर एक बाबा के साथ खेल रहा था।
माँ तो समझ गई, मन ही मन में कहने लगी, जाको राखे साइयां, मार सके ना कोई। जीवित भगवान का लीला अपरंपार है, उनका लीला वो ही जाने। इधर जीवित भगवान के कृपा से श्याम की मम्मी की श्रद्धा भक्ति के कारण जीवित भगवान प्रसन्न होकर उनकी बेटे का रक्षा करते हैं और झोपड़ी को महल में बदल देते हैं। तो प्रेम से बोलिए जीवित भगवान की जय हो। और उधर मालकिन का दोनों हाथ जल गया, क्योंकि उन्होंने जानबूझकर जीतिया का व्रत में जोर जबरदस्ती एक लाचार माँ की परेशानी को नहीं समझी, उनसे कद्दू कटवा ली। इसी कारण से मालकिन की दोनों हाथ जल जाती है। मालकिन जले हुए हाथ लेकर श्याम की माँ के पास आकर श्याम की माँ से हाथ जोड़कर माफी मांगने लगी। श्याम की माँ ने कहा, मालकिन कभी भी किसी का मजबूरी का फायदा मत उठाइए, जाइए सच्चे मन से श्रद्धा भक्ति के साथ जीवित भगवान से अपनी गलती का क्षमा याचना कीजिए, जिससे आपके जले हुए हाथ जल्दी ठीक हो जाएंगे। मालकिन ने जीवित भगवान से हाथ जोड़कर क्षमा याचना की। जीवित भगवान ने मालकिन को क्षमा कर दिए। सभी प्रेम से बोले जीवित भगवान की जय हो। हे जीवित भगवान, जैसे आपने उस गरीब माँ की बच्चे की रक्षा की, धन दिए दौलत दिए, वैसे ही कहानी कहने वाले, कहानी सुनने वाले, हुकारा भरने वाले सभी को देना। सभी प्रेम से बोले जीवित भगवान की जय हो। और कथा को भी प्रेम से लाइक शेयर करें। आपकी इच्छा भगवान पूर्ण करे। जीतिया व्रत की तीसरी कथा। एक गांव में एक पति पत्नी बड़े ही प्यार से रहा करते थे। उनके पास सब कुछ था, मगर कोई संतान नहीं थी। कई साल बीतने के बाद उनके घर में एक छोटा सा पुत्र का जन्म हुआ। उसे देखकर दोनों पति पत्नी बहुत खुश हुए, लेकिन ये खुशी ज्यादा दिन तक टिक न सकी, क्योंकि पुत्र का जल्द ही मृत्यु हो जाता है। अब फिर से दोनों पति पत्नी दुखी हो गए। पत्नी की हालत तो बहुत खराब हो गई, उसे तो हर जगह अपना पुत्र ही दिखाई पड़ता था। दिन रात अपना पुत्र का ही नाम पुकारा करती थी। अब तो दुख के कारण पति का व्यापार भी बंद हो गया। अब तो अपना परिवार चलाने के लिए उसके पास कुछ भी नहीं था। पति काम की तलाश में विदेश चला गया। कई साल बीत गया, लेकिन पति का कोई भी खबर नहीं आया। अब बेचारी पत्नी भूखी रहने लगी। घर में खाने पीने का सामान सब समाप्त हो गया। अब उसने मिट्टी काटने का काम शुरू कर दिया। रोज काम पर जाती, मेहनत करती, जो पैसा मिलता उसी से अपना गुजारा करती। जहाँ वो मिट्टी काटने जाया करती थी, उसी के पास एक बहुत बड़ा जमीन था, जिसमें ढेर सारे बच्चे खेलकूद किया करते थे। उसे ही देखकर बेचारी खुश होने लगी और अपना सारा दुख भूल गई। बस दुख इस बात का था कि उसका पति उसके साथ नहीं था। पति का विदेश गया हुआ 10 साल बीत गया था, मगर पति का कोई खबर नहीं था। पत्नी जब अपना काम करके घर आती, अकेले रहती, तो उसे सिर्फ अपना बच्चे का याद आता और जोर जोर से रोने लगती। इसी तरह से हर रोज दिन व्यतीत होने लगा। एक दिन की बात है, जब पत्नी मिट्टी काटकर आराम कर रही थी, अचानक हुआ बच्चे को देखकर मिट्टी की टोकरी उठा ली और उठाकर एक सुंदर सा पुतला तैयार की। मिट्टी का पुतला बनाते बनाते कब शाम हो गया उसे पता भी नहीं चला। जैसे ही शाम हो आई, वह अपने घर जाने के लिए तैयार हो गई। उसने जिस पुतले को बनाया था, उस पुतले को टोकरी में रखकर अपने घर को आई। अब वह उस मिट्टी के पुतले को जीवित बच्चे की तरह पालन पोषण करने लगी, ध्यान रखने लगी, समय समय पर भोजन खिलाने लगी। लेकिन मिट्टी का पुतला कैसे खा सकता है? आश्चर्य की बात ये थी कि जब पुतला भोजन नहीं करता, तो माँ की तरह वह बच्चे को डांट लगाती थी।
हर रोज इसी तरह से दिन बीतने लगा। कभी मिट्टी के बने बच्चे से प्यार दिखाती तो कभी उसे डांट लगाती। जब वह मिट्टी काटने जाया करती तो अपने मिट्टी वाले पुतले को पीठ पर आंचल से बांध कर जाती। इसी तरह हर रोज किया करती थी। पति का तो कोई खबर ही नहीं था। अब तो माँ अपने बच्चे के साथ दिन भर खोई रहती थी। एक दिन की बात है, जब माँ अपने मिट्टी के पुतले को लेकर कहीं जा रही थी, तब उसने कुछ महिलाओं को जीतिया व्रत करते देखा। तब उसने उन महिलाओं से जाकर पूछा, बहन आप लोग ये क्या कर रही हैं? ये किसकी पूजा है और इस पूजा से क्या फल मिलता है, सो मुझे बताइए। सारी महिलाओं में से एक महिला ने कहा कि ये व्रत बेटे की लंबी आयु के लिए करते हैं, बेटे की सलामती के लिए करते हैं। अब तो माँ भी अपने मन में ठान लेती है, मैं भी जीतिया का व्रत करूँगी, मेरे इस मिट्टी के बने पुतले के लिए करूँगी। एक पुत्र तो मैंने खो दिया, अब इसे हर किस्म में नहीं खो सकती। अब वह मन में ठान लेती है, मैं भी अगले साल जीतिया व्रत करूँगी, क्योंकि वह मिट्टी का दूसरा बच्चा खोना नहीं चाहती थी। अब जैसे अगला साल आया, उसने जीतिया का व्रत पूरे विधि विधान के साथ किया। पहला दिन नहाए खाए की, दूसरा दिन निर्जला व्रत रही और तीसरे दिन गरम गरम भोजन से पारण की। इतना करने के बाद हर रोज की तरह अपने काम पे जाने लगी। अपने मिट्टी के पुतले को पीठ में बांध कर चल पड़ी अपने काम पर। लेकिन अचानक रास्ते में जाते जाते उसके पीठ में कुछ हलचल महसूस हुआ। उसे ऐसा महसूस हुआ कि मिट्टी का बच्चा हिल रहा है, लेकिन उसे लगा कोई भ्रम होगा, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। लेकिन थोड़ी दूर और बढ़ने के बाद उसके बच्चे के रोने की आवाज आने लगी। वह बहुत आश्चर्य में पड़ गई, फटाफट अपने साड़ी की आंचल खोली और बच्चे को देखती है। देखने के बाद उस माँ के आंखों में आंसू भर गए और उसका दिल जोर जोर से कहने लगा, हे जूत भगवान, आप महान है, आप महान है, आपका लीला अपरंपार है, आपकी लीला कोई ना जाने, हे जूत भगवान आपका कोटि कोटि प्रणाम है। वह देखती है वह मिट्टी का पुतला इंसान के बच्चे में बदल गया है। वह समझ गई ये जूत भगवान का ही वरदान है, उनका ही व्रत का फल मिला है मुझे। अब तो पत्नी बहुत खुशी हो गई पुत्र को पाके, खुशी का ठिकाना नहीं रहा। दुख इस बात का था कि पति उसके साथ नहीं था। उधर पारण का दिन ही पति भी गाड़ी में बैठा था अपनी पत्नी के पास आने के लिए। जो धन उसने कमाया था, कुछ चोरों ने उसके धन को लूट लिया। कुछ दूर आगे बढ़ने पर उसे एक बूढ़ा बाबा मिलते हैं। बूढ़ा बाबा उससे कहते हैं, बेटा तुम्हारे पास कुछ है तो मुझे दो, मुझे बहुत जोर की भूख लगी है। बूढ़े बाबा की बात सुनकर वह कहने लगा, बाबा मेरे पास तो था कुछ धन, लेकिन कुछ चोरों ने उसे लूट के चला गया। अब मेरे पास है थोड़ा सा सत्तू, लीजिए बाबा आप इसे खा लीजिए। बूढ़ा बाबा उस सत्तू में से आधा सत्तू को खा लेते हैं और आधा सत्तू उस आदमी को दे देते हैं। वह सत्तू आदमी अपने झोला में रखकर घर को आता है। पत्नी अपने पति को देखकर बहुत खुश हुई और सारी कहानी अपने पति देव को सुना दी और अपने बेटे को पति की गोद में डाल दी। पति बहुत खुश हुआ। फिर पति पत्नी से कहने लगा, मैं कुछ धन कमाया था, रास्ते में चोरों ने लूट लिया, मेरे पास थोड़ा सा सत्तू बचा है, थोड़ा ला कर दो, मुझे भूख लगा है, मैं खा लेता हूँ। पत्नी झोला उठाकर सत्तू निकालती है तो देखती है सत्तू की जगह में सोना बन गया है। सोना देखकर पत्नी बहुत खुश होती है, वो तो समझ गई ये जीवित भगवान का ही चमत्कार है। ये देखकर पति पत्नी जोर जोर से कहने लगे, जीवित भगवान की जय हो, जीवित भगवान की जय हो। जीवित भगवान की कृपा से पति पत्नी और बच्चे के दिन बदल गए। अब तो हर साल माँ जीतिया का व्रत करने लगी। हे जीवित भगवान, जैसे आपने उस माँ का दुख समझे, जैसे उसको पुत्र दिए, वैसे ही कहानी कहने वाले, सुनने वाले, हुक्कारे भरने वाले सबको देना।
सभी प्रेम से बोले, जूत भगवान की जय हो। कहानी पसंद आने पर जूत भगवान की जय हो जरूर लिखें। जूत भगवान आप सबकी मनोकामना को पूर्ण करे। जूत भगवान की जय हो। धन्यवाद। जीतिया व्रत की चौथी कथा सुनिए, जीवित पुत्री का व्रत कथा। और इस कथा का संबंध महाभारत काल से है। दरअसल महाभारत के युद्ध में अश्वत्थामा अपने पिता की मौत से बहुत क्रोधित थे और हर हाल में पांडवों से बदला लेना चाहते थे। इसलिए वह पांडवों के शिविर में घुस गए और उसमें सो रहे 5 लोगों को पांडव समझकर मार डाले। वे सभी द्रौपदी के संतानें थे। अर्जुन ने अश्वत्थामा की मणि छीन लिया और क्रोध में आकर अश्वत्थामा ने अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के गर्भ में पल रहे बच्चे को मार डाला। श्री कृष्ण भगवान ने अपने सभी पुण्य को उत्तरा के अनजन्मी संतान को देकर उसके गर्भ में पल रहे बच्चे को पुनः जीवित कर दिए। भगवान श्री कृष्ण की कृपा से जीवित होने वाले इस बच्चे को जीवित पुत्र का नाम दिया गया। इसके बाद से संतान की लंबी उम्र के लिए हर साल जीतिया का व्रत रखा जाता है। माना जाता है कि जो महिला अपनी संतान की लंबी उम्र के लिए व्रत रखती है उसकी संतान को कभी भी दुख उठाना नहीं पड़ता है और उनके घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। मान्यता है कि जो भी महिला इस व्रत की कथा सुनती है उसे कभी भी अपना संतान से वियोग का सामना नहीं करना पड़ता है। सभी प्रेम से बोले, कृष्ण भगवान की जय हो। जीवित भगवान की जय हो। जीतिया व्रत की अंतिम और पांचवी कथा। कथा इस प्रकार से है, जीमूत वाहन एक गंधर्व राजकुमार थे जो बेहद उदार और परोपकारी इंसान थे। उनके पिता ने राजपाट छोड़ दिया और वन में चले गए, जिसके बाद जीमूत वाहन को राजा बना दिया गया। वे राजकाज ठीक से चला रहे थे लेकिन उनका मन उसमें नहीं लगता था। एक दिन वे राजपाट भाइयों को सौंप कर अपने पिता के पास ही वन में चले गए। वहां उनका विवाह मलयवती नामक एक कन्या से हुआ। एक रोज वन में वे एक वृद्धा से मिले। उसका संबंध नाग वंश था। वह काफी डरी और सहमी थी, रो रही थी। जब जीमूत वाहन ने उन्हें देखा तो उनसे उसका दुख देखा नहीं गया। उन्होंने उस बूढ़ी औरत से जाकर पूछा कि आपका दुख का कारण क्या है। तब उसने बताया कि पक्षी राज गरुड़ को नागों ने वचन दिया है कि हर रोज एक नाग उनके पास आहार स्वरूप जाएगा और उससे वे अपनी भूख शांत कर लिया करेंगे। उस वृद्धा ने कहा कि आज उसके बेटे की बारी है। उसका नाम शंखचूर है जो आज पक्षी राज गरुड़ का निवाला बन जाएगा। यह कहकर वृद्धा जोर जोर से रोने लगी, जोर जोर से रोने लगी। बूढ़ी माई का दुख देखकर दयावान जीवित वाहन ने उनसे कहा कि आपके बेटे को कुछ भी नहीं होगा, आप मुझ पर भरोसा रखें। आज आपका बेटा गरुड़ के पास नहीं जाएगा, उसके बदले में मैं स्वयं जाऊंगा, आप चिंता ना करें। इतना कहकर जीवित वाहन तय समय पर गरुड़ देव के पास पहुंच गए। जीमूत वाहन लाल कपड़े में लिपटे हुए थे। गरुड़ देव ने जीमूत वाहन को पंजे में दबोच लिए और उड़ गए। इस बीच उन्होंने देखा कि जीमूत वाहन रो रहे हैं और कहार रहे हैं। ये देखकर गरुड़ जी एक पहाड़ के शिखर पर जाकर रुक गए और जीमूत वाहन को मुक्त किए। तब उन्होंने सारी घटना बताई। गरुड़ देव जीमूत वाहन की दया और साहस की भावना से काफी प्रसन्न हुए। बस प्रसन्नता के कारण ही उन्होंने जीमूत वाहन को जीवन दान दे दिए। साथ ही उन्होंने वचन दिया कि आज से वे कभी भी किसी नाग को अपना
ग्रास नहीं बनाएंगे। इस प्रकार से जिमुद वाहन के कारण नागों के वंश की रक्षा हुई। इसके बाद से ही आश्विन मास के कृष्णा पक्ष की अष्टमी को जिमुद वाहन की पूजा की जाती है और जीवित पुत्रिका का निर्जला व्रत रखा जाता है। हमारी आज की सुनाई हुई कथा आपको कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। सभी प्रेम से बोलिए, जीवित वाहन की जय हो। कथा पसंद आने पर लाइक, शेयर, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।